नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और इसके ऊपर एक संडे के दिन एक अलग सी वीडियो आपके पास आने वाली है जो इन टॉपिक से बिल्कुल अलग होगी, तो वो प्लीज़ वो वॉच करना। तो अब आते हैं दोस्तों आज की वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों दरभंगा से अमृतसर के बीच चलने वाली जन नायक एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और साथ साथ रेलवे न्यूज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बात करें जन नायक एक्सप्रेस की, तो ट्रेन ऑपरेट करती है 15211 15212। ये ट्रेन जो है दरभंगा जो पड़ता है बिहार में, वहाँ से अमृतसर जो पड़ता है पंजाब में, इसके बीच चलती है। ये डेली एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा देख रेख करी जाती है। और दोस्तों, इसका नाम कैसे पड़ा जन नायक एक्सप्रेस? तो दोस्तों, इसका नाम पड़ा गया एक मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर थे बिहार के रहने वाले और एक्स चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उनका नाम था करपूरी ठाकुर करके कुछ नाम था, जन नायक करपूरी ठाकुर जन नायक ऐसे नाम था, तो उसी नाम से ट्रेन का नाम पड़ा जन नायक एक्सप्रेस। अब आते हैं दोस्तों इसके डिस्टेंस ट्रैवल पे। तो ये करीबन 1486 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो भी करीबन 32 आवर 30 मिनट्स में। इसके करीबन 46 स्टॉप्स है पूरी जर्नी में। ऑपरेटिंग स्पीड की बात करें इसकी तो 46 kmph मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट स्पीड है जो कि इसे एक्सप्रेस ट्रेन बनाती है, और 110 kmph मैक्सिमम है। कोचेस की बात करें दोस्तों इसके अंदर, तो ओल्ड ICF रेक्स इसमें शेयर होते हैं जिसमें से 21 जनरल अनरिजर्व्ड कोचेस यूज़ होते हैं और 2 SLR का यूज़ होता है। दोस्तों, इसके अंदर कोई आपको रिजर्वेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अनरिजर्व टिकट बुक करें मतलब काउंटर से ले ले और जाके आप फर्स्ट कम फर्स्ट सीट में बैठ जाए, और इसमें पेंटिकार का यूज़ नहीं होता। रूट्स या हॉल्ट की बात करें तो दरभंगा जंक्शन से निकल के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पिपरा, हरिनगर, गोरखपुर जंक्शन, बस्ती, गोंडा जंक्शन, शाहजहानपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अम्बाला कैंट, लुधियाना, जलंधर सिटी होते हुए अमृतसर जंक्शन पहुंचती है। ट्रैक्शन की बात करें दोस्तों, तो गोंडा शेड का या मुगल सराय शेड का WDM-3A का लोकोमोटिव यूज़ होता है दरभंगा से मुरादाबाद तक। फिर उसके बाद गाजियाबाद शेड का WEB-4 या WEB-7 जो इसमें अवेलेबल हो वो यूज़ हो जाता है टिल अमृतसर जंक्शन तक। ये दोस्तों अपने साथ 15275/76 सहरसा बरौनी एक्सप्रेस के रेक शेयर करती है। टाइमिंग्स की बात करें दोस्तों, तो 15211 जो है वो दरभंगा जंक्शन से हर रोज शाम में 5:20 पर निकलती है और अमृतसर जंक्शन रात में 1:50 पर पहुंच जाती है। फिर 15212 जो है अमृत जंक्शन से शाम में 7:05 पर निकलती है और दरभंगा जंक्शन सुबह 3 बजे पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना, और दोस्तों संडे की वीडियो देखना ना भूले, वो एक आपको रात तक आपको या मंडे की सुबह आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही।